हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये आने वाला साल 2022 ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये साल 2022 अगर आपका पर्सनल ईयर 7 बनता है तो कैसा रहेगा आपके लिए, ये बातें करूंगी मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका क्या ये साल 2022 आपका पर्सनल ईयर 7 है। जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। साल 2022 क्या ये साल आपका पर्सनल ईयर 7 है कि नहीं है, क्या पता, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो आइए चलिए मैं आपको सिखाती हूं कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि ये साल आपका, जो साल 2022 है, ये आपका पर्सनल ईयर 7 है या नहीं है। आइए देखते हैं कैलकुलेशंस। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी का बर्थडे 1 सितंबर 1995 को आता है, ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए पर्सनल ईयर कौन सा होगा। फर्स्ट प्लस सितंबर का 9 प्लस 1995 नहीं लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 2022। ठीक है, 2022 क्या है, ये 2022 आपका ये साल, क्योंकि हमें इस साल का पर्सनल ईयर निकालना है। तो आप यह देखिए, 1 + 9 + 2 + 2 क्या आ जाएगा, 9 और 1 10 11 12 13 14 15 16 16। 1 + 6 = 7। हां जी, इसका पर्सनल ईयर 7 है। जो इंसान 1 सितंबर 1995 को पैदा हुआ उसका पर्सनल ईयर 7 है। तो यहां पर जो 2022 वाला साल है वो उसके लिए कैसा रहेगा, ये मैं बताने जा रही हूं आगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख के जाना, समझ में आ गया तो अभी चले जाओ। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी का बर्थडे 9 जनवरी 1999 को हुआ है तो यहां पर हम इसका पर्सनल ईयर निकालते हैं। देखते हैं 9 + 1 + यहां पर हम क्या देखेंगे, 2022। यहां 1999 मत लिख देना, यहां पर लिखेंगे 2022। क्यों, क्योंकि हम 2022 का पर्सनल ईयर निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर 2022 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 9 + 1 + 2 + 2 + 2 कैलकुलेट करो, 9 और 1 10 2 12 13 14 15 16 16 आया यहां पर। तो 1 + 6 = 7 यहां पर क्या हो गया, यहां पर इस इंसान का, जो इंसान 9 जनवरी 1999 को पैदा हुआ है उसका भी देखो पर्सनल ईयर कौन सा निकल कर आ रहा है, 7। आप समझे क्या, एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली आपका पर्सनल ईयर निकाल के एग्जैक्ट उस हिसाब से यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। मतलब ऐसा नहीं कि आपका ड्राइवर नंबर 9 है तो आपके लिए साल ऐसा रहेगा, आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो ये साल आपके लिए ऐसा रहेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट जितना पर्सनलाइज हो सकता है। यूट्यूब में भी हम जितना पर्सनलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से फेसबुक, ऑनलाइन, जो भी माध्यम है जिसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रही हूं, इस माध्यम से भी हम जितना ज्यादा पर्सनलाइज कर पा सकते हैं उतना ज्यादा पर्सनलाइज मैं करने की कोशिश कर रही हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय बेस्ट, रेस्ट तो सब भगवान के हाथ में। सो ये पर्सनल ईयर 7, अगर आपका पर्सनल ईयर 7 निकल कर आया है तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आपका पर्सनल ईयर 7 नहीं निकल कर आया है तो फिर जो भी आपका पर्सनल ईयर निकला है उसकी रिस्पेक्टिव वीडियोस देखो आप, ठीक है। मैंने सबकी बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सबकी वीडियोस बनाई हैं। तो देखते हैं अगर ये 2022 साल आपका पर्सनल ईयर 7 है तो ये कैसा रहेगा आपके लिए। पर्सनल ईयर 7, ईयर ऑफ हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए परसू करना चाहते हैं, वेरी गुड ईयर फॉर यू। अगर आप कोई भी हायर नॉलेज, चाहे वास्तु की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी की हो, कोई भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं, द बेस्ट 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 ईयर फॉर यू। 7 नंबर है ही ऑकल्ट का। तो अगर आप ऐसी कोई भी नॉलेज ग्रास्प करना चाहते हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस, प्राणिक हीलिंग, रेकी, कुछ भी, The best year for you। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, द बेस्ट ईयर फॉर यू। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करना चाहते हैं, द बेस्ट ईयर फॉर यू। इस साल जरूरत है थोड़ा काम रहने की, थोड़ा इजी रहने की, और चीजों को, जो चीजें जैसे चल रही है ना उनको चलते हुए वैसे देखने की। सडन चेंजेस होंगे, तुरंत ऐसे चीजें एकदम से पलट जाएंगी, बदल जाएंगी, नया प्रस्पेक्टिव मिलेगा, चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। किसी किसी इंसान के लिए ये साल बहुत ही जबरदस्त चेंजेस लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। किसी किसी इंसान के लिए
टर्म्स में मतलब सोच में एकदम बहुत ज्यादा चेंज लेकर आएगा, किसी के बिजनेस में एकदम चेंज लेकर आएगा, किसी के एजुकेशनल बैकग्राउंड में दिमाग में एकदम चेंज आएंगे। ये साल बहुत जबरदस्त चेंजेस का होने वाला है आप लोगों के लिए जिनका पर्सनल ईयर 7 बन रहा है। फाइनेंशियल वाइज कई बार लोग बोलते हैं अरे नहीं 7 का नंबर है फाइनेंशियल वाइज इतना अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये साल आपको फाइनेंशियल ब्लिस दे सकता है अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, ये आपको फाइनेंशियल ब्लिस देकर जाएगा। अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है, ये आपको फाइनेंशियल ब्लिस देकर जाएगा। मेक माय वर्ड्स, नोट माय वर्ड्स, ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वो एक अपलिफ्टमेंट देकर जाएगा। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 4 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ये तीनों ड्राइवर्स के लिए ये पर्सनल ईयर 7 बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 2, 3 या 4 है तो भी आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया ग्रहण कर सकते हो अपने अंदर। ये बहुत अच्छा साल है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, ये 7 नंबर का साल अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप सिंपली जो भी आपके घर में हाउस हेल्प्स आती हैं उनको कुछ भी मतलब उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, जो भी ये लोग होते हैं जो आपके घरों के बाहर से कूड़ा उठाकर लेकर जाते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको कभी अपशब्द नहीं बोलते हो, मतलब ही नहीं कि ये साल बुरा निकल जाए, मतलब ही नहीं, एक्चुअल में मतलब ही नहीं, इनफैक्ट ये साल आपको बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंस देकर जाने वाला है अगर आपके बिहेवियर्स इन लोगों के प्रति अच्छे हैं। तो ये साल आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये साल ऐसा बनने वाला है आपके लिए, लिटरली में, मार्क माई वर्ड्स। अगर आप लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करते हो, रिक्शा वाला हो गए, आपके बाहर जो भी ठेले पर खड़े हैं लोग, वो जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लोग वो चला रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, अगर आप उन लोगों से बार्गेनिंग करते हो कि भैया नहीं इसको मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ये तो 5 रुपए में महल बना लेंगे अपने, ठीक है, तो आपको ये केतु वाले साल से डरने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यू आर काइंड टू दोज पीपल, आपको 7 नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। सीरियसली बता रही हूँ, आपको 7 नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, फाइनेंशियल ब्लिस लेकर आएगा। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगी केतु केतु का जब भी ये आपका साल आता है तो हेल्थ वाइज आपको क्या ध्यान रखना है, बाहर का ऐसे चटर पटर और ये सब जंक ये सब अंदर नहीं डालना। अगर आप ये सब अंदर नहीं डालोगे तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने केतु के साल में भी ये चीजें चालू रखी, बंद नहीं की, तो फिर परेशानी होगी और कुछ लोगों की सर्जरीज के प्लान बन सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर सर्जरी का प्लान बनता भी है तो भी जस्ट जो भी अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या सर्जरी का प्लान बन जाता है, ऐसा नहीं कि जिसका भी पर्सनल ईयर 7 है सबको सर्जरी का प्लान बन जाएगा, नहीं, किसी का पहले से कोई परेशानी चली आ रही है या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सर्जरी भी करानी पड़ती है, तो भी डोंट वरी अबाउट इट। सतनजा होता ना, सतनजा, वो अपने ऊपर से 7 बार उतार के और किसी गरीब इंसान को दान कर देना जो बिल्कुल रोड पे बैठा हो, बिल्कुल ही गरीब, बिल्कुल मतलब एक होता ना बिल्कुल ही खत्म, रोड पे बैठा है ऑलरेडी, तो उसको दान कर देना। आपके ऊपर से जो भी परेशानियां हैं वो ऐसे छटने लग जाएंगी, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है क्योंकि 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर आप इस समय पर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि डिमीन कर रहा है, किसी भी इंसान को डिमीन कर रहा है, किसी भी ऐसे लोगों को डिमीन कर रहा है जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, तो फिर आपको रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे क्योंकि अगला साल 8 नंबर है आपका। अगला साल आपका पर्सनल ईयर 8 होगा, वहां पर शनि आएगा जो कि न्याय करेगा आपके साथ। न्याय का मतलब क्या है, अच्छा किया है तो अच्छा देगा और बुरा किया है तो बुरा देगा, सिंपल, नो इफ्स एंड बट्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं ये बात तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप किसी भी अनप्रिविलेज्ड इंसान के साथ नेगेटिव बिहेवियर ना करें। मैं वापस से वो 3 वाले कैरेक्टर में आ गई थी, जबरदस्ती की फिलॉसफी, बट स्टिल वापस से आते हैं, हम अपने ट्रैक पर आते हैं। 7 नंबर तो
तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेडिटेट करना है। इस साल मेडिटेशन बहुत जरूरी है और इस साल की गई मेडिटेशन ना आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देती है। लाइफ लॉन्ग क्यों? क्योंकि ये 7 नंबर है ना, नो योर इनर सेल्फ, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना मैसिव पोटेंशियल है, ये 7 नंबर पर्सनल ईयर 7 बताता है। लेकिन कब बताता है? जब हम उस साल में मेडिटेट करके देखें अंदर है क्या चीज। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठे, एनएनई में बैठे, और एनएनई में बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अपना मुंह बंद करें, अपनी कमर स्ट्रेट रखें, सिंपली रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे लेकिन कमर स्ट्रेट रखकर बैठे और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ये डिसाइड करके बैठें कि इस 5 मिनट में मुझे कोई चीज, कोई विचार नहीं आना चाहिए, किसी चीज के बारे में मुझे सोचना नहीं है। मैं मानती हूँ उस 5 मिनट में विचार आएंगे, बार बार आएंगे, आप चाहे जितना मर्जी सोच लें, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी कि आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे और आपको कोई विचार नहीं आया उस समय में। ये इजी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज जो इजी नहीं है क्या वो लोग वो करते नहीं है? शुरुआत तो करते हैं ना, तो आप शुरुआत कीजिए इस चीज की, लिटरली में मजा आ जाएगा। आई एम गिविंग यू गारंटी ऑन द रिटन पेपर, ऑन द स्टैम्प पेपर, अगर आप इस पूरे साल मेडिटेशन करेंगे, योर होल लाइफ विल टर्न अप, लिटरली में। इस साल सिर्फ मेरे कहने से पूरा साल मेडिटेशन जरूर कीजिएगा अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है। यू विल एक्सपीरियंस मिरेकल्स अराउंड यू, यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस मिरेकल्स अराउंड यू, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, सिंपली इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद पर्सनल ईयर 8।